क्या बिड़ू रेडी है क्या? रिकॉर्डिंग चालू कर। सोया मर गया या जिंदा है? आकाशवाणी। उस दिन पार्क में क्या हुआ था? ये सफर तुम्हारे लिए सही नहीं है। लौंडियाबाजी करेगा, लौंडियाबाजी। गैंगस्टर को डिसिप्लिन में रहना मांगता। कितने आंटीज को ठुकरा चुका हूं। कैसे मारा? जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप बढ़िया ही होंगे। तो लास्ट वीक से लेके अभी तक हमें कोई ज्यादा बढ़िया ओटीटी कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी बढ़िया बढ़िया आने वाला है उन सभी के बारे में ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना, जिसमें सबसे पहले अमेज़न मिनी टीवी की ओर से एक चाइनीज मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसे साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ब्रदर्स, जिसकी IMDb रेटिंग 4.8 की ही है, लेकिन इसको रेटिंग बहुत कम लोगों की ओर से दी गई है, जो ज्यादा जेन्युइन नहीं लग रही। लेकिन मूवी एवरेज वॉचेबल है, जिसमें हमें बढ़िया एक्शन के साथ कॉमेडी भी बढ़िया देखने को मिलती है, जो टाइम पास के लिए बढ़िया है और अभी हिंदी डब में बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न मिनी टीवी पे। इसके बाद साल 2023 में एक बढ़िया अवार्ड विनिंग मूवी रिलीज हुई थी, जिसका भी नाम ब्रदर्स ही था, जो एक इंग्लिश लैंग्वेज वाली मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है। अभी ये मूवी भी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है, जो एक म्यूजिकल सस्पेंस ड्रामा मूवी है, जिसमें कहानी हमें दो भाइयों की देखने को मिलने वाली है, जो अभी दूसरे देश में इमिग्रेंट्स होते हैं, लेकिन उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो ही हमें इस मूवी में बढ़िया कहानी के साथ दिखाया जाता है। तो ये एक बढ़िया अवार्ड विनिंग मूवी है, जिसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसकी IMDb रेटिंग भी 6.9 की काफी बढ़िया है। बाकी अगर आपको ना मिल रही हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद साल 2019 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया कोरियन एक्शन कॉमेडी ड्रामा मूवी मैन ऑफ मैन को भी हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जो पहले ओनली रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल थी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की है, जिसमें हमें दो बंदों की कहानी देखने को मिलती है, जो एक टीम के जैसे काम करते हैं, लेकिन उनकी एक दूसरे से बनती बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे कहानी हंसते हंसाते हुए आगे बढ़ती है, वही हमें इस बढ़िया मूवी में बढ़िया कहानी के साथ दिखाया जाता है, जो भी अभी इंडिया में ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक इंग्लिश थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है 28K, जिसकी IMDb रेटिंग तो 4.8 की ही है, जो एक आर रेटेड क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसमें कहानी हमें एक यंग लड़के की देखने को मिलती है, जिसे एक नाइट क्लब में क्राइम की दुनिया में धकेल दिया जाता है। तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2021 में थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कानाबादू तालेदू, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 की है, और कहानी हमें एक पुलिस ऑफिसर की देखने को मिलने वाली है, जो अभी एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए निकला है, और उसके सामने आता है एक कपल जो अपनी शादी की जिंदगी से खुश नहीं होते हैं। तो उनका इस इन्वेस्टिगेशन के साथ कौन सा लिंक निकले के सामने आता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में सस्पेंस और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है, जो भी अभी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद साल 2019 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी कल्की, जो कुछ सच्ची कहानियों से इंस्पायर्ड कहानी वाली मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की है, और इसमें बढ़िया कहानी के साथ एक्शन और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है, और ये भी एक मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी है, जिसको एक कल्की नाम का ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। तो ये भी बढ़िया मूवी अभी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की ही एक और बढ़िया एक्शन कॉमेडी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मार्क एंटोनी, जिसे थिएटर्स में साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया गया था, लेकिन OTT पे अभी तक ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने को मिल रही है। लेकिन घबराने की बात नहीं, अभी इस मूवी की हिंदी डबिंग की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है, जो अभी हमें OTT पे तो नहीं बट TV प्रीमियर होते हुए जरूर देखने वाली है, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग 6.7 की है। तो अभी ये मूवी हमें इसी महीने में ही 25 अगस्त को गोल्ड माइंस के TV चैनल पे हिंदी डब में TV प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसको 25 अगस्त की रात 8 बजे TV प्रीमियर किया जाने वाला है। और उसके बाद आप इसको कहां पे और कैसे देख पाओगे, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन करना 25 अगस्त के बाद ही, कि ये मूवी कहां पे देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद इसी साल 2024 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया आर रेटेड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी, जिसमें हमें वैम्पायर्स की कहानी देखने को मिलती है और इसमें डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलती है, जिसका नाम है एबिगेल और IMDb रेटिंग 6.6 की है। तो अभी ये मूवी भी हमें इसी मंथ में ही
जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ इंडियन कई लैंग्वेजेस में एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। और जी हाँ, हिंदी लैंग्वेज में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जिसमें कहानी हमें कुछ क्रिमिनल्स की देखने को मिलने वाली है जो एक बड़े डॉन की बेटी को किडनैप कर लेते हैं और अभी उसको छुपाने के लिए एक खाली पड़े हुए बंगले में घुस जाते हैं, लेकिन अनजान होते हैं कुछ अनजानी शक्तियों से जो अभी उनकी वाट लगाने वाली है। तो कहानी में क्या होता है वही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक्शन और कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाने वाला है। बाकी वैम्पायर्स की एंट्री कैसे होती है वो भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है इस मूवी का। तो ये मूवी अभी 26 अगस्त से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी साल में ही कुछ टाइम पहले एक और हॉलीवुड की हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इमाकुलेट को रिलीज किया गया था, जो भी एक आर रेटेड मूवी है जिसकी एमडीबी रेटिंग 5.8 की है। और इस मूवी की हिंदी डबिंग को लेकर भी काफी कमेंट्स आते जा रहे हैं कि ये हमें इंडिया में हिंदी डब में ओटीटी पे कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली अभी इसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है जो अभी हमें जल्दी ही रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन अभी तक इसकी डेट कन्फर्म नहीं हुई है, बट अनाउंसमेंट जरूर हो चुकी है जो आने वाले 2-3 हफ्तों में हमें अमेजोन एंड बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। बाकी जब भी इसकी रिलीज डेट के बारे में कन्फर्म पता चलता है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद इस महीने में सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की जाने वाली थी एक बढ़िया हिंदी वेब सीरीज चमक का सीजन 2, लेकिन अचानक से ही इसको पोस्टपोन कर दिया गया तो ये वेब सीरीज अभी डिले पे चल रही है। तो इसके बारे में तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, बट सोनी लिव की ओर से ही कुछ टाइम पहले एक और बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था जिसका नाम है तनाव का सीजन 2, जिसे 12 सितंबर की रिलीज के लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन अभी इस वेब सीरीज को थोड़ा सा प्रीपोन कर दिया गया है जो अभी हमें 12 सितंबर से एक हफ्ता पहले 6 सितंबर को रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हां, तनाव के सीजन 2 को अभी 6 सितंबर से रिलीज किया जाएगा सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो एक बढ़िया इजरायली वेब सीरीज फौदा की हिंदी रिमेक सीरीज है जिसमें हमें कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम ही देखने को मिलती है, लेकिन कैरेक्टर्स जहां पे हमें इजरायल एंड पैलेस्टीन के देखने को मिलते हैं वही इंडिया में रॉ एंड ISA के देखने को मिलते हैं, जिसको आपको देखना जरूर चाहिए अगर आपने फौदा सीरीज नहीं देखी है। लेकिन अगर बाय चांस आपने फौदा सीरीज देख रखी है तो इस सीरीज को देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कहानी बिल्कुल सेम टू सेम ही लगती है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही करीना कपूर के साथ एक नई हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी को अनाउंस किया गया है जिसका नाम है बकिंगम मर्डर्स, जो भी एक बढ़िया नई हिंदी क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें हमें यूके की कहानी देखने को मिलेगी जहां पे कई मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं और करीना कपूर इस मूवी की कहानी में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रोल में देखने को मिलने वाली है। तो इस मूवी का भी टीजर अभी आ चुका है जो काफी इंप्रेसिव लग रहा है और बढ़िया बात है कि इस मूवी को हंसल मेहता जी की ओर से बनाया गया है और बालाजी मोशन पिक्चर्स के अंडर बनाई गई है। और इस मूवी को लेके अच्छी अपडेट ये भी है कि इस मूवी का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कंफर्म हो चुका है जो होने वाला है नेटफ्लिक्स, जहाँ पे ये मूवी हमें अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगी, लेकिन सितंबर मंथ में इसको थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 13 सितंबर की। और अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में हमें ये मूवी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी। तो ये थी अभी तक आने वाली कन्फर्म हुई कुछ बड़ी सीरीज एंड मूवीज की अपडेट। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं आपको ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, जिसके लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना ही बेहतर होता है। टाटा, बाय बाय।